तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जगह जगह दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि लोकसभा चुनाव 2024 की पल पल की खबर, हर सीट का विश्लेषण, हर सीट की रिपोर्ट, हर सीट का आंकड़े और समीकरण लोगों तक सही और सटीक तरीके से पहुंच सके। लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट बना हुआ है और अलग अलग मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा है, चर्चा कर रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी प्रतिक्रियाएं, खासतौर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय की तस्वीर क्या कुछ होने वाली है, वो देखते हैं। तो देखा आपने कि कुछ बड़ी तस्वीर आप स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं कि वीडियो वाल में आप देख सकते हैं कि बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ये पार्टियां हैं बीजेपी 35, अपना दल की बात करें अभी 0, आरएलडी 2, सुभाषपा 0, आईएनसी 8, एसपी 34, बीएसपी 0, ये एक बड़ी तस्वीर। और ये एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ये 44% उसको समर्थन, अभी ये सिर्फ रुझान है, अभी ये परिणाम नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर। 43% में इसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कहा जा सकता है कि अभी तक बेहद अच्छा रहा है, प्रदर्शन रहा है, ये 43% आप समझ सकते हैं, लेकिन ये 44% और आईएनसी यानी कि कांग्रेस 10%, आरएलडी जो बड़ा सहयोगी दल के रूप में बीजेपी के साथ पहुंचा था, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ी तस्वीर उभर के आ रही है। समाजवादी पार्टी 43% में अभी अपनी बढ़त बनाए हुए कई बड़ी सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर, और इसके साथ साथ आईएनसी देख सकते हैं कि आईएनसी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अब काफी कुछ, उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। 2019 में सिर्फ एक सीट थी रायबरेली की, उससे पहले क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी हार चुके थे, लेकिन इस बार 10% के आसपास ये वोट शेयर है, वोट प्रतिशत है, अभी ये परिणाम नहीं है, अभी ये सीटों में नहीं तब्दील हुए, लेकिन अगर ये सब आंकड़े सीटों में तब्दील होते तो एक बड़ा अंतर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है। 2019 में 62+2 यानी कि 62 बीजेपी के और दो सहयोगी दल के 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन 10 सीटों पर बसपा और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस। लेकिन अब ये आंकड़े देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। 43% एक बड़ा जनाधार होता है 80 सीटों में, 25 करोड़ की आबादी में अगर आप माने तो एक बड़ा जनाधार होता है। आरएलडी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका भी अभी तक का प्रदर्शन, अगर जो अभी तक के जो आंकड़े निकल के आए हैं, काफी कुछ बेहतर माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी असर, ये वो जाटलैंड है, ये वो 10 जिले हैं जहां पर आरएलडी का प्रभाव माना जाता है कि आरएलडी के जो प्रत्याशी जब उतरते हैं तो अच्छा खासा सियासी समीकरण बदल देते हैं, हार जीत एक अलग जगह है। लेकिन जब जब एक आंकड़ा और भी आया था कि जब जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है हमेशा आरएलडी ऊपर बढ़ा है, हमेशा आरएलडी के खाते में सीटें आई हैं। तो यह एक बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी इस समय 35 पे, अपना दल 0, आरएलडी 2, सुभाषपा 0, कांग्रेस 8, समाजवादी पार्टी 34। ये सिर्फ रुझान है, परिणाम बदल सकते हैं, ये एक आंकड़े बदल सकते हैं, कोई भी आंकड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये वोट प्रतिशत ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये वोट शेयर आपको बताता है कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, आखिर क्या नाराजगी रही है। ये राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि किससे कौन नाराज रहा है, आखिर जनता तक अपनी बात पहुंचाने में क्यों असमर्थ रहे, जनता उनके वादों को लेकर, उनकी बातों को लेकर क्यों एक नहीं हो पाएगी। तो ये एक बड़ी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, और 80 सीटों की अगर हम बात करें तो केंद्र की सियासत राजनीति तय करता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कई बड़े लोकसभा कहा जा सकता है कि सीटें हैं यहां पर जो देश भर की, और पार्टी के हिसाब से अगर हम नजर डालें तो बीजेपी 2019 में 62 सीटें जीती थी, 2024 में 35, और गेन किया माइनस किया था 26। अपना दल की बात करें 2019 में, 2024 में अभी आंकड़े आने बाकी हैं और -1। आरएलडी की बात करें 2019 में 0, 2024 में 2, इसके साथ साथ सुभाषपा की बात करें 2019 में 0, 2024 में भी अभी आंकड़े आने बाकी है, एक सीट पर लड़ रही अरविंद जो है राजभर। आईएनसी कांग्रेस की बात करें, एक सीट 2019 में जीती थी रायबरेली की, अमेठी से कांग्रेस जो राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन अभी +8 में है, ये एक बड़ा आंकड़ा है, ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं,
प्लस 8 कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकती है, कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी के लिए बूटी की तरह हो सकती है। समाजवादी पार्टी 5, पिछली बार 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, 34, 30 का प्लस नजर आ रहा है। ये एक बड़ा आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनाधार समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इकट्ठा किया है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा। अगर हम बीएसपी की बात करें, जब सपा और बीएसपी का गठबंधन था 2019 में, तब 10 सीटें जीती थी और अभी भी -9 यानी कि 9 का नुकसान है उसको। तो ये एक बड़ी तस्वीर, बीजेपी, अपना दल आरएलडी, सुभाषपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये बड़ी तस्वीर। लेकिन अगर सबसे ज्यादा गेन देखेंगे आप, वोट शेयर के आधार पर, सीटों के आधार पर नहीं कहा जा सकता, वोट शेयर के आधार पर, अभी तक के रुझानों के आधार पर, तो समाजवादी पार्टी जहां 5 पर थी 2019 में, 34 सीटों पर इस समय आगे है, 30 सीटों को उसको अभी इस समय बढ़ोतरी मिल रही है। वहीं कांग्रेस भी सिर्फ 1 सीट पर थी 2019 में, रायबरेली की सीट, लेकिन अब आप देख सकते हैं प्लस 8 के गेन में है। ये वो उत्तर प्रदेश है जो लगातार सियासी पंडित, राजनीतिक विश्लेषक कहा करते थे कि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश से घटता जा रहा है। कांग्रेस जो है सिर्फ रायबरेली तक सीमित रह गई है, जो पारिवारिक उनकी सीट है, जो विरासती सीट मानी जाती रही, लेकिन अब